जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को भी सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण किट्टा चैनल पर। और वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा और औरों तक भी शेयर कीजिएगा। तो आज बहुत अच्छा दिन है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे चैनल पर लोगों की काफ़ी संतुष्टि हो रही है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है और दूर दूर तक ये वीडियो जा रही है। दिव्य आभा के माध्यम से लोगों को गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग मिल रही है और मुझे इसका बहुत बहुत सुकून है कि लोग सुन रहे हैं, है ना। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने से और सत्संग बोलने से दोनों का ही कल्याण होता है। तो आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण किता चैनल पर जो दिव्य आभा के मैंने सत्संग शेयर करे हैं, पाठ किया है, उनको आप अवश्य पूरा का पूरा जरूर सुने। और आज मैं यहाँ पर आपके सामने आई हूँ, वो इसलिए आई हूँ कि हम अरदास कैसे करें गुरुजी के आगे, है ना। मैं तो अपने पूरे गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण किता के जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबके लिए गुरुजी से खुशियाँ मांगती हूँ कि हे गुरु महाराज, सबके कष्ट दूर हो, है ना। कमेंट में जब लोग कहते हैं कि उनको ये परेशानी है, ये परेशानी है, आंटी आप हमारे लिए अरदास कर दो, तो मन में एक वो आता है कि सच में कितने लोगों के तकलीफें होती हैं जो गुरुजी से आस लगाए बैठी है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी कल्याण कर दो। सच में पता क्या होता है कि जिसके दिल में दर्द होता है ना, वो दर्द सिर्फ उसी को फील होता है, दूसरा कोई नहीं उसको फील कर सकता। और वो किसी भी तरह की समस्या हो सकती है, किसी भी तरह का कष्ट हो सकता है। हम तो केवल गुरुजी से अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी जिसका जो भी प्रकार का कष्ट हो वो दूर हो, है ना। तो और मैं जितनी भी संगत मुझको सुन रही है उनसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप गुरुजी पे विश्वास रखें, हौसला रखें, हौसला अपना टूटने ना दें। कोई भी तकलीफ है वो समय के साथ धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी थोड़ी परीक्षा भी लेते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। आपने भी सुना होगा कि गुरुजी कैसे नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, ये बात भी बिल्कुल सच है। कहते हैं ना, एक मैंने सुना था कि भांडा मांजते हैं, वो वाली कहानी है। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि गुरुजी ऐसा कहते थे, कई सत्संग में मैंने सुना है कि पहले भांडा मांजेगा, मतलब कि जितने भी शरीर के अंदर दोष हैं, हमारे कर्म जो खराब हैं, उनको गुरुजी पहले साफ करेंगे। कहते हैं बर्तन में पहले सफाई करेंगे तब वो अपनी ब्लेसिंग डालेंगे। तो भांडा मांजने से अर्थ ये है कि पहले वो टेस्टिंग होती है, या जो हमारे बैड कर्मास हैं उनको हटाया जाता है, तब जाके गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त होती है। प्राप्त वो डे वन से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे कोई बुरे कर्मा है उनसे निपटने की जो शक्ति मिलती है हमें, वो कहाँ से मिलेगी, तो वो भी गुरुजी ही देते हैं, है ना। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए ही बना रही हूँ, मेन मेरा मोटिव यही है कि काफी कमेंट मुझे ऐसे आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा, मतलब दिल भर आता है कि कितनी ज्यादा लोगों के तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं। लेकिन हमें गुरुजी पे आस्था बनाए रखनी है, विश्वास बनाए रखना है। कहते हैं टाइमिंग उनकी होती है कि किसको कब क्या ब्लेस करना है, टाइमिंग उनकी होती है, हमें तो केवल अपना कार्य करना है और जल्दी से जल्दी हमारे कार्य पूरे हों, इसीलिए हम गुरुजी का सिमरन भी ज्यादा से ज्यादा करें, है ना। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ कि हम गुरुजी के सामने अरदास कैसे करें, है ना, अरदास कैसे करें। अरदास हमें पॉजिटिव होके ही करनी है, और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हमें गुरुजी का शुक्राना करना है। तो शुरू करते हैं। संगत जी, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हे गुरुजी, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे नारायण,
आज का दिन हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वोत्तम दिन है, प्यार आदर सम्मान प्रशंसा जैकपॉट से भरा हुआ। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर गुरु जी की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे गुरु जी, आपका धन्यवाद है, हमारा घर पूरी तरह सुरक्षित है और हर तरह से हम सफल और समृद्ध हैं। हे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्राना करें। जीवन में बहुत तरह की तकलीफें होती हैं और मैंने भी बहुत अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन बस प्रभु एक इतनी सुपर पावर है कि वो हमें उठ के चलने की शक्ति अपने आप देते हैं, अपने आप देते हैं। कब देते हैं? जब हम उनको थैंक यू करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। उन्हें तो सिर्फ याद करने की देर है और वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये मैं भी इतनी समझ पाई कि जैसे हम किसी भी भगवान को याद कर रहे तो वो हमारी सारी तकलीफें एकदम से क्यों नहीं समाप्त कर देते, क्यों नहीं वो एकदम से ही हमको ऐसे करके सब कुछ कर देते, है ना। क्योंकि इंसान को जो जन्म हमें मिला है वो सृष्टि का नियम है कि हमें कुछ लर्निंग के लिए ऊपर वाले ने भेजा है कि हमारी कोई लर्निंग रह गई है, नहीं तो हमें मोक्ष ही ना मिल जाता। हम आए हैं 84 लाख जुनियों को पार करके हमने मनुष्य योनि प्राप्त करी है, तो वो केवल इसीलिए प्राप्त करी है कि हम प्रभु भक्ति में अपने आप को समर्पित करें, है ना। कोई काम हमारे अधूरे रह गए जो गुरुजी ने, परमात्मा ने हमें दोबारा से धरती पर भेजा कि अपनी ये पूरी से, हम तो बैक पेपर दे रहे हैं, एक तरह से पूरा बैक पेपर चल रहा है हमारा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि हम, आप देखिए कि हम लोग जो है कितना भी एफर्ट कर लें, कितना भी एफर्ट कर लें, कई बार हमें उस चीज में कामयाबी नहीं मिलती, मिलती नहीं है। क्यों? उस चीज के लिए हमें यही सोचना है कि गुरुजी ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा है, है ना, जिसका हमें नहीं पता। कुछ समय बाद वो भेद अपने आप खुल जाता है कि ओ आई सी, ये चीज हमारे लिए थी ही नहीं, हम अपनी एनर्जी और अपना मनी ऐसे ही वेस्ट किए जा रहे थे, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे कोई वो शादी के लिए हम रिश्ता देख रहे हों, है ना, किसी भी तरह की समस्या से अगर हम जूझ रहे थे, और कुछ समय के बाद वो जब पड़ते खुलती हैं, या ये कह लो कि हमारे बैड कर्म समाप्त होते हैं, कहते हैं ना गुरुजी 95% कर्म को काट देते हैं, तो इसका मतलब जो 5% है वो तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं, वो भी बड़े तकलीफ दे होते हैं। कहते हैं गुरुजी वो 5% भी हमसे नहीं भुगते जा रहे, है ना, नाना प्रकार की समस्याएं रहती हैं जीवन में, लेकिन अगर हम दृढ़ता के साथ शक्ति का सिमरन करें, वो शक्ति हमारे अंदर ही समाहित हो जाती है, और वो शक्ति होती है हमारा आत्मविश्वास। हमारा आत्मविश्वास ही भगवान है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हे प्रभु, आपने जो हमें दिया है ना वो बहुत ही बढ़िया दिया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, है ना। अगर हम दूसरों को देखते चले जाएंगे कि भाई उसके पास तो ये है, वो है, वो है, ऐसा, तो भाई फिर तो हम जी नहीं सकते और हम तो सिर्फ कंप्लेन बॉक्स बन के ही गुरु जी के सामने भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना ना, हमें क्या करना है कि गुरु जी आपने हमें जो दिया है ना वो सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया हमें प्राप्त हुआ है, तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और समाज में जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा
तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा अच्छा ऑटोमेटिकली होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ग्रेटिट्यूड की ही बात की गई है। जैसा गुरुजी कहते हैं शुक्राना, शुक्राना करना सीखो, है ना। गुरुजी के पास आके मैंने सबसे अच्छी चीज एक यही सीखी है, शुक्राना। ये दिन रात शुक्राना करना मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। और जब से मुझे शुक्राना करना अच्छा लगने लगा है तो मैंने अपने अपने आप ही अपने अंदर मैंने वो चीज शक्ति महसूस करी है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, कुछ वजूद है मेरा भी। मेरा नाम सुमन है, मैं सुमन हूँ। नहीं तो मैं ऐसी अपनी जिंदगी बस एक यूं ही निकाल रही थी कि हाँ रोटी खा ली और काम कर लिया घर का और जयराम जी की, हमें पता ही नहीं चलता। जिंदगी जीने का अपना एक पैटर्न होता है संगत जी, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है मुझे जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ। तो हम गुरुजी की शरण में आने से, एक तो जब हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग सुनने से हमारा दिमाग बहुत खुलता है, लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है और कैसी कैसी कंडीशन से गुरुजी ने उन लोगों को बाहर निकाला है, उससे भी बहुत ज्यादा ज्ञान हमारा बढ़ता है। और जीवन में हमारे को ना ज्ञान बहुत ज्यादा काम आता है। तो संगत जी मैं अब आपसे यहीं पे ही विदा लेती हूँ, आज्ञा लेती हूँ। और जो मैंने आपके लिए अरदास अभी पढ़ी है, सुनाई है, तो आप उसको जरूर सिमरन कीजिए। गुरु जी के आगे जब भी खड़े हों तो शुक्राना करें, और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए बार बार हर सांस में गुरु जी का शुक्राना करें, परमात्मा का शुक्राना करें कि भगवान ने हमें बहुत सबसे ज्यादा सुंदर हमें ही बनाया है। बस सबसे ज्यादा मैं तो ये मानती हूँ कि हाँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, क्योंकि हम प्यारे हैं तभी तो गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है। अगर हम नकारे होते तो गुरु जी नहीं लेते, है ना, है ना गुरु जी। हाँ मैं तो गुरु जी की लाडली बन चुकी हूँ और सारी संगत गुरु जी की लाडली है ना। तभी तो हमारे वो गुरु पा है, और जब वो हमारे गुरु पा है तो हम उनके बच्चे, उनके लाडले हैं। और विश्वास रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी चीज में थोड़ा वक्त लग रहा है तो हम इंतजार करें, धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य रखना ही सबसे मुश्किल होता है, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है, ये भी एक कठोर सत्य है। तो सारी संगत से मैं निवेदन करती हूँ कि अगर उनके दिमाग में किसी भी तरह की परेशानी चल रही है तो वो परेशानी अब गुरु जी के चरणों में डाल दीजिए कि गुरु जी आप जानो, है ना। और मैं तो निश्चिंत हो गई हूँ कि भैया गुरु जी अब आप जानो, मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि अब मेरे सर पे गुरु जी का हाथ है, है ना। तो जय गुरु जी। और मैंने दिव्या आभा के जो सत्संग पढ़े हैं, कभी आपका मन लगे कि भाई मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे जो है सही जल्दी से जल्दी करवाना है, तो एक बार, केवल एक बार दिव्य आभा के सारे सत्संग अवश्य सुने, है ना। गुरु जी कल्याण करते हैं और गुरु जी कल्याण करते रहेंगे। वो स्वरूप में बैठे हैं, वो साक्षात बैठे हैं, वो विराजमान है। इस वक्त मैं जो भी बोल रही हूँ ना वो सुन रहे हैं कि क्या बोल रही है, है ना। क्योंकि गुरु जी ने मुझे खुद सपने में दिव्य आभा पढ़ने की बात कही और मैं उठ के बैठ गई चौकन्ना होके कि गलत फहमी रियल कंफ्यूज समझ ही ना है। तो संगत जी बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण किता चैनल को अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगती है, ये प्रार्थना कैसी लगती है, अरदास कैसी लगी आपको, ये आप दूसरे के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी।